अच्छा इस बोर्ड पे देखो जरा, कुछ अब एक्स्ट्रा बचा क्या जो हमें नहीं समझ में आ रहा, वो क्या चीज है? ये मैंने बोर्ड लिया, सारे सर्किट में पहचान पा रहा हूँ कि नहीं पहचान पा रहा हूँ? पावर सर्किट, हमें वो अभी ये पोर्ट से रिलेटेड जो आईसी उससे मतलब नहीं है, है ना? ये पोर्ट से रिलेटेड आईसी हमारा डिस्प्ले या डेड केस के लिए अभी हमें नहीं देखना है। हमें जो पावर सर्किट है वो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारा का सारा हमारा कवर अप हो रहा है। कौन सा आईसी यहाँ पर क्या काम कर रहा है हमें आइडिया उसका लग गया, ठीक है ना? तो इसको अगर मैं यहाँ पर नोट डाउन भी करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 वोल्ट ड्यूल कहाँ चेक करूंगा जरा बताओ मुझे। 5 वोल्ट ड्यूल कि मेरे अंदाजे से एक तो ये होगा, है ना, और शायद एक ये हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ट्रेस करो कि इसका ड्रेन आपस में बिप कर रहा है क्या, देखो करके बिप दे रहा है क्या? इस मॉस्फेट का ड्रेन, इस मॉस्फेट का ड्रेन आपस में बिप दे रहा है क्या? करो करो, नहीं यार दे रहा है बस, ठीक है, समझ में आ गया ना यार? मैं तो ट्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, मैं देख के समझा रहा हूँ आपको। ट्रेस तो आप कर रहे हो, तो कहने का मतलब है कि ड्यूल के ये दोनों मॉस्फेट हो गए ना। 5 वोल्ट स्टैंड बाय टू 5 वोल्ट ड्यूल मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा, करेक्ट। अब 5 वोल्ट ड्यूल का जो जो सप्लाई है वो इसका इनपुट होगा, इसीलिए यहाँ पे भी पा रहा था, समझ गया ना? तो ये मेरा मेन मॉस्फेट हो गया, सपोर्टिंग मॉस्फेट हो गया, यहाँ पर मेरा 1.2 वोल्ट बनेगा और ये मेरी हो गई इन दोनों को कंट्रोल करने वाली आईसी। इतना क्लियर हुआ? फिर वीटीटी हमारा ये है, वीटीटी हमारा ये वीटीटी ये है, वो कैसे पहचानोगे कि यही वीटीटी है? इसके जो ये वाले चार पिन है वो आपस में बिपते रहोगे, देखो पिछला सर्किट दिमाग में रखना जरूरी है। कोई दो दे रहा आपस में बिप, दो दे रहा है, वीटीटी यही है और नहीं तो वीटीटी का सर्किट अगर आप सामने लेकर क्या हो तो वीटीटी का जो सर्किट था वो इससे कनेक्ट होता था, हमारा वीटीटी क्यू से कनेक्ट होता था। तो ये मेरा वीटीटी का आईसी हो गया, दो दे रहा आपस में, दो दे रहा ना, यही है। अच्छा आप कैसे कंफर्म करोगे यही वीटीटी, अब ये बताओ, कंफर्म करो बताओ मेरे को। आप देखो पहले तो आप खुद सोचो, वीटीटी यहाँ पर और कोई हो सकता है क्या? एक शायद इसका अंदाजा हो सकता है, ये हो सकता है क्या वीटीटी? भाई अंदाजा लगाओगे ना, कोई मैं डायग्राम लेके तो नहीं बैठे है ना, हम तो सिंपल ट्रेस करके चीजों को समझ रहे हैं। अगर डायग्राम लेंगे तो झट से पता चल जाएगा, है ना? तो आप इसको कंफर्म करके मेरे को बताओ, ये है वीटीटी आईसी या ये है वीटीटी आईसी? मेरा आइडिया तो इस पे जा रहा है वैसे, भाई कंफर्म करके बताओ ना, यही है। इसके लिए आपको पिछला वीटीटी सर्किट पहले दिमाग में लाओ, वीटीटी आईसी का क्या था कॉन्सेप्ट, ये लो मैं दिखा देता हूँ। इधर देखो वीटीटी आईसी का ये रहा, वीटीटी आईसी का सर्किट जो मैंने आपको बता के दिखाया वो ये दिखाया था। यहाँ पर वीटीटी कहाँ है, कहाँ है, देखो ये था वीटीटी हमारा। तो आपको डिफरेंसेस ये मिल सकता है, ये वीटीटी में पिन नंबर 1 वीटीटी क्यू से कनेक्टेड होगा, पिन नंबर 1 जो है वीटीटी क्यू से कनेक्टेड होगा। आप इतना देखो और कंफर्म करो पिन नंबर 2 ग्राउंड होगा, क्या ये पॉसिबिलिटी आपको मिल रही है? मिल गया ना? अब सुन लो, बेशक ये चारों आपस में भी अपना दे, दो भी दे रहा है तो भी चलेगा। तो आपको वीटीटी को अगर पहचानना है ना तो आप इसको ध्यान में रखना, अब तक जितनी भी वीटीटी आईसी आप देखोगे सबका इनपुट क्या होता है, पिन नंबर 1 होता है। मिल गया, वीटीटी कंफर्म हो गया हमारा, हमारा आउटपुट यहाँ से वीटीटी आउटपुट निकल के रैम स्लॉट को जाएगा। चलिए तो चलिए मेरा वीटीटी मिल गया, वीटीटी वोल्टेज मेरा बन गया यहाँ पर, इतना मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद 1.0 वोल्ट ये हो गया पीसीएच का, 1.0 वोल्ट ये हो गया, है ना? ये वाला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एक रेगुलेटर लगा है, ये आपका क्या हो गया 3 वोल्ट ड्यूल पीसीएच के लिए, कंफर्म कर लियो। और ये वाला जो हम देख रहे हैं ये 3 वोल्ट स्टैंड बाई, इसको भी कंफर्म करो,
इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये इनपुट पिन है, ये आपको हाई वोल्ट ड्यूल से बिप दे रहा होगा, हाई वोल्ट ड्यूल से बिप कर रहा होगा। प्रेस करके देखो कर रहा है, आ रहा है, तो हमारा यहां भी कंफर्मेशन मिल गया हमें, ठीक है। हाँ, 5 वोल्ट ड्यूल से बिप दे रहे हैं। चलिए, तो मेरा इतना हो गया क्लियर। उसके बाद ये वाला जो था, ये मैंने आपको क्या बताया, बीसीसी एसटी बीसीसी पीएलएल, इसका जो इनपुट है वो किससे बिप करेगा, वो इस पायल से बिप कर रहा होगा, है ना, इस पायल से बिप करेगा। पायल ना हो तो आप मेन मॉस्फेट का सोर्स या सपोर्टिंग का ड्रेन ले लो, पीछे करके देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा बीसीसी एसटी और पीएलएल हो गया। उसके बाद ये दोनों जो हमारा, एक हो जाएगा बीसीसी आयो का और एक हो जाएगा बीसीसी एसए का, ये बीसीसी आयो और ये बीसीसी एसए। अब दोनों कैसे मैं क्लियर करूं, एक बात बताओ, कौन सा बीसीसी आयो कौन सा बीसीसी एसए, इसको मैं कैसे कंफर्म करूं? तो उसका कंफर्मेशन आपको ये डायग्राम देगा। इसको कैसे आप कंफर्म करो, आप इसको इस तरह कंफर्म करो, देखो जैसे कि मैंने सर्किट लिया, जैसे बीसीसी एसए का मैंने लिया, बीसीसी एसए का जो देखो गेट है पिन नंबर 1 से कनेक्टेड होगा, क्लियर, बीच में 100 ओम का वैल्यू आएगा। बीसीसी एसए जो है पिन नंबर 1 से, LM358 के पिन नंबर 1 से कनेक्टेड होगा, और आपका बीसीसी आयो जो है वो पिन नंबर 7 से कनेक्टेड होगा। तो चलो क्लियर करो फटाफट, कौन सा बीसीसी एसए और कौन सा बीसीसी आयो। बीसीसी आयो का सर्किट देखो ये सामने है, किससे कनेक्टेड है, LM358 के पिन नंबर 7 से। पहले तो गेट इसका ढूंढ लो, गेट कौन सा है, और फिर बैक ट्रेस करो आप पिन नंबर 7 से। 100 ओम आएगा, 100 की वैल्यू आएगी, बिप नहीं आएगी, जो बिप सुनने के लिए बैठे हो, 100 ओम की वैल्यू पे बिप नहीं आता। आगे 100 पिन नंबर 7 वाला जो है, अगर पिन नंबर 7 से बिप कर रहा है मतलब वैल्यू आ रही है, तो बीसीसी आयो। तो मेरे को बताओ बीसीसी आयो कौन सा मिला, ऊपर वाला, तो मतलब ये मेरा बीसीसी आयो हो गया है। ये वाला क्या, ये पिन नंबर 7 से दे रहा है, तो बीसीसी आयो, तो ये हो गया बीसीसी एसए। दोनों पे वोल्टेज सेम ही बनता है, सर्किट भी दोनों का सेम है। जब इतना हो गया और ये LM358 है, अब हमारा आ गया इस जगह पे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसा कि मैं देख के समझ पा रहा हूं, यहाँ पर ड्राइवर का यूज किया गया, देखो ड्राइवर यूज किया गया, एडलेक का, इसमें ड्राइवर यूज नहीं किया गया, इसमें ड्राइवर नहीं है, फिर इसके लिए ड्राइवर यूज किया गया, इसके लिए ड्राइवर यूज नहीं किया, करेक्ट। और ये आपकी हो गई वीकोर आईसी, तो मेन कंट्रोलर आईसी ये हो गई, ये ड्राइवर्स हो गए, है ना। तो ये तीन आपको क्या मिला, कोर वोल्टेज, और ये दो आपको मिला ग्राफिक्स कोर, सारे वोल्टेज खत्म हो गए ना, इसको मैंने नोट डाउन किया। ये मेरा GFX हो गया और ये सारे मेरे CPU4 हो गए।
ये भी मेरा सीपी फोर हो गया, ठीक है ना। वोल्टेज क्या आएगा अप्रोक्स 1 वोल्ट के आसपास, ठीक है। इसको आपने बोला VCCSA, VCC आयो, यहाँ पर बनेगा VCC आयो, यहाँ पर बनेगा आपका VCCSA, यहाँ पर मेरा बना 3.3 वोल्ट, स्टैंड बाय बोल लो, यहाँ पर भी मेरा बना 3.3 वोल्ट, है ना। PCH स्टैंड बाय, ये PCH जूल बोलते हैं हम इसको, ये जो कॉइल है 1 वोल्ट, PCH बन गया, और ये जो है हमारा यहाँ पर हमारा VTT आएगा, और ये मेरा 5 वोल्ट ड्यूल है, और इस कॉइल पे चेक करूंगा मैं VDD2, और VTT में, और वो VPP ये है ना, ये मेरा VPP, ये मेरा VPP हो गया, VPP 2.5 वोल्ट, ये नहीं है ये वाला, एक सेकंड, ये इसकी IC है, कहाँ है VPP, ये वाला, हाँ ये है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपका VPP हो गया, ये आपका VPP, यहाँ पर VPP 2.5 वोल्ट, ये आपका है 5 वोल्ट ड्यूल, और ये आपका है VTT 0.6 वोल्ट, और ये आपका VDD2 1.2 वोल्ट। कुल मिला के सारा सर्किट हमारा कवर हो गया, अब पहचानने लायक इसमें कुछ नहीं बचा, हमने समझ लिया। लेते लेते ये मेरी V4 IC, यहाँ पर ये आ गई कोर IC, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर्स, ये हमारे हो गए ड्राइवर, इसको बोला जाता है ड्राइवर। और कुछ बचा यहाँ पे, उसको भी कर लो, LM 358 आपका ये हो गया, ये आपका LM 358, LM 358, तो कुल मिला के 6, 7, 8, 9 सबका यही सर्किट है गीगाबाइट में, है ना। अब बाकी होगा आसूस होगा, इसी से मैच करेगा, ऐसा नहीं कि जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, जो प्रोसेसर की सप्लाई है वो ऐसी ही रहेगी, समझ गया ना। आसूस वगैरह हम देखेंगे किस पे, डायग्राम पे, वो हम देखेंगे डायग्राम पे आसूस वगैरह पे, यहाँ पर फिलहाल हम किस पे हैं। अब मेरा फोटो है यहाँ पर, फोटो के साथ आपको मैं दूंगा, ये ये दे दिया, बाकी सर्किट भी आपको दे दे रहा हूं मैं। यही रहेगा बोर्ड है आपके पास, बोर्ड लेकर के आओ तो मैं बता दूं सारी समस्या, बोर्ड किया ना मेरे पास, जितना बोर्ड था सारा डाल दिया। अरे एक है अपने पास ना ब्रांडेड बोर्ड, एक पड़ा होगा ना, एक बंदा जो भूल के गया था, पकड़ लेंगे अगली बार, ब्रांडेड भी बता देंगे। ऐसा है, एक चीज आएगा उसके बाद ही दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। अब इतना भी आपने नॉलेज उठा लिया ना, इसके बेस पे आगे आप खुद भी सर्च मार सकते हो। हाँ
हर चीज सीखने का नहीं होता है, बहुत सा चीज खुद को सिखाने का भी होता है। आप सोचोगे हर चीज मैं सीख ही लूँ तो ऐसा कभी नहीं होता है, समझे ना भाई। अपने को एक हिंट मिले, एक कॉन्सेप्ट मिले, अब उसको लेकर के आगे हम और मेहनत करेंगे और सीखेंगे, वो चीज होती है। क्या देखो गीगाबाइट का तो मैं आपको दे दूंगा, गीगाबाइट के तो ब्रांडेड में नहीं मिलेंगे, तभी ब्रांडेड में नहीं मिलते डायग्राम। वही तो सबसे मैं इतना ट्रेसिंग क्यों करवा रहा हूँ, इसीलिए कि भैया प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ट्रेसिंग से ही डेस्कटॉप बोर्ड को जीत सकते हो। तो रेजिस्टेंस का करेक्शन अभी मेंशन करेंगे या क्या चीज? आप कह रहे थे रेजिस्टेंस गलत, मैंने डायग्राम में बना दिया, मैंने आपको बता दिया, आप सही कर देना। पर आप गेम तो भी मस्त है, मैंने बता दिया भैया बनाओगे तो सही कर देना, गलत हो गया हो गया। मैं नहीं बोलता तो मैं तो बोल देना कि हाँ भैया मैं गलत हूँ, तो गलत बोल दिया। अब उतना आप भी तो अकल लगा सकते हो ना कि हाँ भाई गलत है ये, उतना आप भी अकल लगा लो, क्योंकि यही सब तो छोटी मोटी चीज होती है कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। अब मान लो उसको मैं शेयर कर दूंगा, मान लो वो जो इमेज है मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, दूसरा इंस्टीट्यूट का मास्टर मेरे को बोलेगा देखो गलत पढ़ाता है, बोलेगा ना देखो बच्चों को गलत पढ़ाता है, वो दो चार जगह पब्लिसिटी भी करेगा, देखो ये सर्किट गलत बताया उसने, हो सकता है उस पर यूट्यूब भी बना के डाल दे, यूट्यूब वीडियो भी बना के डाल दे। मैं मौका दे रहा हूँ, ठीक है भैया हम गलत है गलत बोल दो, और क्या बोलेंगे, कोई नहीं। वो तो देखो मानवीय भूल होती है, सबसे होती है, अब उसको अगर गलती मान के लोग लग जाएगा तो फिर तो बेवकूफ है बंदा। मैंने मेंशन कर दिया वोल्टेज डिवाइडर में मिस्टेक है, समझ जाना उससे।